स्वागत है आपका पलपल इंडिया न्यूज चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कौन बनेगा करोड़पति 23 सालों से टीवी पर चल रहा है और उसका अपने आप में ही एक नाम है। हमारी जबलपुर की बेटी वर्षा सारोगी भी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। वर्षा सारोगी एक माँ होने के साथ साथ बैंकर और एंकर भी रही हैं। उन्होंने अपनी क्रिएटिव फील्ड के साथ साथ एकेडमिक्स को भी कभी कहीं नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज कौन बनेगा करोड़पति जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर वो पहुँच चुकी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें वहाँ जाकर किस तरीके का महसूस हुआ और क्या क्या चुनौतियों का सामना कर वह इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहुँची। स्वागत है आपका पलपल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ आज आपके सामने बैठ के, क्योंकि आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन हैं। तो हम इस इंटरव्यू की शुरुआत आपसे ही करेंगे कि आपने किस तरीके से क्या तैयारी की कि आज आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुँची। सबसे पहले धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि हम अपने मन की बात आपसे कर सकें और उन सभी दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हर वर्ग देखता है, बच्चा, वयस्क, टीनेजर या जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ना सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि ज्ञान भी होता है। तो जब मैं इस कार्यक्रम को पहले देखती थी तो हम सिर्फ आंसर देते हैं, जैसे कि हम एक आम तौर पर दर्शक होते हैं, लेकिन बाद में मेरे मन में एक बार एक विचार आया कि मैं क्यों नहीं, जब सब जाते हैं तो मैं क्यों नहीं। और उस दिन से मुझे लग रहा है मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। करीब 4 या 5 साल हो गए हैं, बार बार एक राउंड कभी दो राउंड क्रॉस किए, लेकिन फाइनल तक आप पहुँचे। जैसे कि हम जानते हैं कि आप माँ भी हैं, एक बच्चे की माँ होने के साथ साथ आप अपनी लाइफ को प्रोफेशनली ग्रो कर रही हैं। आपने कभी भी उसे बैरियर ना बनके उसको स्ट्रेंथ बनाया और आज आप आगे बढ़ती जा रही हैं। तो आप जो और भी माएँ हैं उनको किस तरीके का इंस्पिरेशन देना चाहेंगी और क्या बताना चाहेंगी, कैसे प्रेरित करना चाहेंगी? ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक अपना व्यक्तित्व होता है। हम पहले बेटी, बहन और माँ, पत्नी बन के ना रह जाएं, है ना। हर व्यक्ति का एक अपनी आइडेंटिटी होती है जिसको उसको भूलना नहीं चाहिए। आमतौर पे हम महिलाएं खासतौर पे भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम माँ बन गए, हमारा दायित्व वहाँ तक है, या फिर हम एक पत्नी है तो हमारा पत्नी होने तक दायित्व है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण ज़रूर है। और कभी तो एक ऐसा पल होना चाहिए जब हम अपने उस गुण के साथ जी सकें। तो माँ के तौर पे भी मैं अपने दायित्व को, मुझे लग रहा है, मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जब मेरा इंट्रोडक्शन आपने वर्षा सारोगी के तौर पे या कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट के तौर पे दिया, तो यहीं से साबित होता है कि मेरी आइडेंटिटी मेरी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कौन बनेगा करोड़पति का एक अलग ही फैंडम है, लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको देखना पसंद करते हैं। हर एज ग्रुप का बच्चा हो या कोई भी यंगर जनरेशन हो, बड़े लोग हो, उसका एक अलग ही फैन फॉलोइंग है हर जगह पर। तो और उसके जो होस्ट हैं उनका फैंडम तो अलग ही है इंडिया में। तो जब पहली बार आप उनसे मिली तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? KBC बनाम अमिताभ बच्चन सर, हम कह सकते हैं। देखिए, अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटी ऐसी है, जब आप उनको सामने से देखते हो तो ऐसा लगता है कोई जादुई व्यक्ति खड़ा है। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मैं हॉट सीट के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, तो चूंकि वहाँ नहीं पता था कि मैं बैसाखियों से चलती हूँ, तो मैं अपनी चेयर पर बैठी थी। और बच्चन सर जब मेरे पास वहाँ आए मुझे लेने के लिए, नहीं, जस्ट होल्ड माई हैंड, तो वो पल मेरे लिए जीवन भर के लिए यादगार पल बन गया। और उनका एक सबसे बड़ा मैं उन्हें तो विश्लेषित नहीं कर सकती हूँ, पर फिर भी ये कह सकती हूँ कि वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े, हर एज के साथ वो वैसा व्यवहार करते हैं कि ऐसा लगता है वो उनसे कनेक्ट हो गया। तो वो एक कालजयी व्यक्तित्व है और सच में मैं लकी हूँ कि मैंने उनको साक्षात देखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि
जब एक लड़की अपने दूसरा लाइफ का फेज शुरू करते है, यानी कि वो मैरिज करते है या उसके बाद एक फेज शुरू होता है लाइफ का, कुछ लोगों का बहुत ही स्ट्रगलिंग होता है, कुछ लोगों का बहुत ही स्मूथ होता है, कुछ लड़कियों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है ईदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑल्सो, हस्बैंड ऑल्सो, एवरी वन. तो आपको किस तरीके का सपोर्ट अपनी फैमिली से मिला अपनी जर्नी में? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला, और घर में छोटी होने के बावजूद भी मुझे सारी जो भी फ्रीडम्स थी वो मिली भाइयों की तरफ से. तो जहाँ पे मैं कभी कदम बढ़ाती थी, मतलब हर बार वो लोग सहयोग के लिए खड़े हो जाते थे. और सबसे स्ट्रांग थी मेरी माँ, जिन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं कराया कि मुझ में कोई कमी है. तो जब बैसाखियों से मैंने चलना शुरू किया तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कुछ कमी है, लेकिन वो बैसाखियाँ मेरी शक्तियाँ बनाई हैं मेरे परिवार और मेरी माँ ने. और उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर का मुझ पे बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे पति भी मुझे वैसे ही मिले जो मुझे डबल सपोर्ट करते हैं. उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं रहता है कि मैं प्रोग्राम करूँ या इसमें, लेकिन उनका ये रहता है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ. तो जैसे कि हमें पता है कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो वीक है वो मदर्स वीक होने वाला है केबीसी में, तो जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स को यूजुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है वो उनके नाम के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि इंट्रोड्यूस अगर करेंगे आपको तो आपकी माँ के नाम के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो अपने आप में अलग फीलिंग होगी जब आपकी माँ का नाम आपके साथ जुड़ा और फिर आपको इंट्रोड्यूस किया गया. बहुत अलग फीलिंग थी. वहाँ मैं ही अकेली नहीं, हमारे सारे 10 कंटेस्टेंट जो थे हमारे साथ वाले, जब उनसे कहा गया कि आप अपने अपने मदर का नाम अपने नाम के साथ लिख के दे दीजिए, हम वैसे ही अनाउंस करेंगे, तो वो एक अलग, क्योंकि आमतौर पर होता है कि पिता के नाम के साथ हमारा नाम जोड़ा जाता है या पति के साथ, तो वो जब माँ के साथ हमारा नाम बुलाया गया और वो भी श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, तो वो मुझे लग रहा वो मोमेंट हमेशा के लिए लिख गया हमारी लाइफ में एक हस्ताक्षर के तौर पे. और एक सवाल से अलग बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपकी डिसेबिलिटी आपकी पहचान नहीं है, क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार मिली मुझे कहीं से भी फील नहीं हुआ कि आप किसी भी तरीके से कोई काम करने में सक्षम नहीं है, आप हर तरीके से सक्षम हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फील ऑनर्ड कि मैंने आपका इंटरव्यू किया, और आपके अचीवमेंट्स ही आपके लिए बोलते हैं, तो इट इज़ कि आपका नाम ही बहुत ज़्यादा है, आपको कभी भी वो चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट कि आपने इतना बड़ी चीज़ को अचीव करा. थैंक यू. आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये ना सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि कई बार होता है कि मुझे हो सकता है परिवार बहुत अच्छा मिला हो, या मुझे थोड़ा सा ईश्वर ने एक छोटी सी प्रतिभा दी कि मैं माइक से दोस्ती कर बैठी और लोग मुझे पहचानने लगे. मैं हर उस व्यक्ति को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको शरीर से कुछ, शारीरिक तौर पे कुछ ईश्वर ने कम दिया है या आप कमज़ोर हैं, तो वो कभी और कहीं भी आपको पीछे हटाने के लिए नहीं हो सकता. आप एक बार अपने आप में झांक कर देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा भी दिया होगा. तो एट दी एंड नोट ऑफ दिस एपिसोड हम बस यही पूछना चाहेंगे कि आप, हम मेरे जैसी लड़कियां हैं जो बाहर मतलब लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनको अपने एम्बिशन को अचीव करना है, जो बहुत सारे बैरियर्स के थ्रू जाती हैं अलग अलग तरीके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, तो आप उन लड़कियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? शाहरुख खान की एक मूवी है, उसमें बड़े सुंदर एक वाक्य बोला गया है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने जुट जाती है. ये बिल्कुल सही है, आप दिल से चाहिए, ईमानदारी से कोशिश कीजिए, तो अगर आपकी मंजिल और आपका लक्ष्य तय है, आपको पता है क्या करना, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे. तो जैसे कि आपने देखा कि इनकी प्रतिभा देखकर शायद कोई इनकी डिसेबिलिटी पर तो फोकस नहीं करेगा, कितने प्रतिभाशाली तरीके से इन्होंने हर चीज़ को बताया और मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है. ऐसे और भी इंटरव्यूज़ और जानकारी के लिए बने रहिए पल पल इंडिया न्यूज़ के साथ.